मतलब किसी भी चीज का बारकोड बना जाता है। तो देखो बारकोड बनाने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में नेट होना चाहिए और क्रोम में जाना है आपने, और यहाँ पर आपने गूगल जो आपका सर्च इंजन है गूगल पे जाना है। तो यहाँ पर आपने जिस भी चीज का बारकोड बनाना है उसका आपके पास यूआरएल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने अपना रिव्यू का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, किसी भी चीज का बनाना है। अब www. ये मेरी वेबसाइट है skilltech.com। अब मैं कहता हूँ सर मैंने इसका बारकोड बनाना है, कि हर बंदे को मेरे स्पेलिंग नहीं पता है, इसका बारकोड बनाना, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए यूआरएल को, और इसके बाद आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रिएट बार कोड मोंकी। एंटर करोगे आप तो ये आपकी पहली वेबसाइट आ जाएगी क्यूआर कोड मोंकी। जैसे इस पे जाओगे आप तो यहाँ पर आपने अपना यूआरएल जो भी आपने कॉपी किया था यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है आपने, जो भी आपका ये है इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाने के बाद इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और जो भी आपने कलर देना है यहाँ पर क्रिएट क्यूआर कोड कर देना है, जिस भी ये आपका क्यूआर कोड बन गया है, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए क्लोज। ये आपका जनरेटेड हो रहा है, इसको कुछ नहीं करना है आपने, जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसको स्कैन करोगे तो आप ये आपका बारकोड बन के आ गया है, जिसको आप प्रिंट आउट करके कहीं पर भी लगा सकते हो। अब जब भी आप इसको स्कैन करने पे वेबसाइट खुल जाएगी, जब भी आप इसको स्कैन करोगे वेबसाइट खुल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कहते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पर गए ये देखिए यहाँ पर गए स्कैन किया तो ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो भी हमने की थी वो पूरी की पूरी हमारी ओपन हो जाएगी। किसी भी चीज का आप बारकोड बना सकते हो, समझ गए हो? यस सर। ठीक।